कपड़े का ब्रांड हमेशा चलने वाला बिजनेस होता है। आज के इस वीडियो में मैं जिस ब्रांड की बात करूंगा उसका स्टोर आपने किसी ना किसी मॉल में ज़रूर देखा होगा, क्योंकि ये फेमस ही इतना है। जिस ब्रांड की मैं बात कर रहा हूं उसका नाम है फैब इंडिया। फैब इंडिया बेसिकली हर टाइप के रेंज का कपड़ा बनाती है, जैसे वो वीमेन से रिलेटेड हो, मेन्स हो, किड्स हो, होम एंड लिविंग हो, फर्नीचर हो, बहुत टाइप की चीज़ें बनाती है। लेकिन कपड़े से रिलेटेड आपको हर रेंज का कपड़ा यहाँ पर मिल जाएगा। वो मैं आपको आगे वेबसाइट में दिखाऊंगा कि किस तरीके का कपड़ा ये मैन्युफैक्चर करती है, क्या इनके रेंजेज हैं, क्या इनके प्राइजेज एक्सपेक्टेड होते हैं, और फिर मैं आपको आगे बताऊंगा क्या इनका बिजनेस है, किस तरीके से आप इनके साथ जुड़ के काम कर सकते हैं, क्या प्रॉफिट मार्जिन होता है, और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ इस तरीके का बिजनेस का मार्केटिंग आप कैसे कर सकते हैं। एक एक चीज़ को हम लोग डिटेल में समझेंगे। ये है कंपनी का ऑफिशियल वेबसाइट fabindia.com। यहाँ की वेबसाइट पर आने के बाद हम लोग को सबसे पहला झलक में क्या नज़र आया कि ये एथनिक वेयर पर ज़्यादा फोकस कर रहे हैं। अभी के डेट में देखिए इमेज से ही आपको समझ में आ गया होगा, बेसिकली फैब इंडिया बनाती भी उसी टाइप के कपड़े हैं, इसीलिए इनका बिकता ज़्यादा है। आइए सबसे पहले हम लोग चेक करते हैं वीमेन के कैटेगरी में। वीमेन के कैटेगरी में एथनिक वेयर है, वेस्टर्न वेयर है, स्लिप वेयर है, एक्सेसरीज है, ज्वेलरी, फुटवेयर, कलेक्शन एट्सेट्रा। यानी एथनिक वेयर पे फोकस ज़्यादा है, लेकिन एथनिक वेयर के अलावा भी और भी कैटेगरी में ये लोग बनाते हैं। वहीं अगर मैं बात करूँ मेंस में, तो मेंस में भी एथनिक वेयर में जैसे कुर्ता हो गया, नेहरू जैकेट हो गया, चूड़ीदार पैजामा हो गया, नेक्स्ट हो गया सलवार एंड धोती हो गया, इंडियन सेट्स हो गया। वेस्टर्न में तो आपको पता ही है शर्ट पैंट जीन्स वगैरह, शॉर्ट्स, टी शर्ट, जैकेट्स, किड्स में भी लगभग सेम चीज़। ठीक, एक नज़र डालते हैं इनके कपड़े के डिजाइनिंग पर एंड प्राइसिंग पर। एथनिक वेयर में ही हम लोग देख लेते हैं, जैसे अच्छा ये लोग साड़ी भी बना रहे हैं, सूट भी बना रहे हैं, प्राइजिंग भी देखते जाते हैं साथ साथ में। 1400 रुपये का, लेकिन 3500 रुपये प्राइस से नहीं मतलब है, जो ये चीज़ बना के दे रहा है ना, ये चीज़ मिलता ही नहीं। नेक्स्ट हो गया उल बंधानी नी लेंथ का ये जो कुर्ता हो गया, एम्ब्रॉयडरी का किया हुआ कुर्ता है, ये सब कॉस्टली आता ही है, जाहिर सी बात है, चूँकि उसमें हाथ का काम होता है या अगर मशीन का भी काम होता है तो वो कॉस्टली आता है। लेकिन सस्ते रेंज में भी है, अगर कॉटन से रिलेटेड कोई भी परचेज करेगा तो उसके लिए दाम कम है, जैसे 1300, 1400, 1500। लेडीज़ में तो जनरली मैं आपको बताऊं 2000-3000 से नीचे कुछ भी नहीं बिकता है। ये तो उस हिसाब से लग रहा है कि ये सस्ता ही है, चूँकि मात्र 1000-1000 रुपये में आ रहा है इसका। तो हर रेंज में ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा महंगा है और काफ़ी ज़्यादा सस्ता है, हर रेंज में है। मेंस में भी एक बार चेक कर लेते हैं और फिर हम लोग बात करेंगे बिजनेस की। मेंस वेयर में भी हम लोग देखें तो एक अलग ही लुक है, एक अलग ही डिज़ाइन का ये कपड़ा मुझे दिख रहा है, काफ़ी अच्छा लग रहा है। इस टाइप का कपड़ा जनरली मिडिल एज के लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, या जो जिनकी शादी हो गई है वो लोग ज़्यादा पसंद करते हैं। थोड़ा यूथ इस तरीके का ड्रेस पहनता है बस पर्व त्यौहार में जनरली। ठीक है, जरा चेक करते हैं हम लोग प्राइजिंग की। तो प्राइजिंग में ये देखिए, इस तरीके का कुर्ता पजामा 6000 रुपये में दे रहा है, काफ़ी अच्छा प्राइजिंग है, एक्सेस है। इनफैक्ट टेल कॉटन डॉबी इस तरीके का 2000 में, फिर ये 4000 में, फिर ये 1500-1600 में, बट अलग अलग डिज़ाइन है, अलग अलग लुक है, और उसी के अकॉर्डिंग इसकी जो प्राइजिंग है वो वेरी करेगा। वहीं अगर हम लोग बात करें शर्ट पैंट की, तो कॉटन प्रिंटेड शर्ट 1800 रुपये में, कॉटन प्रिंटेड शर्ट 2200-2300 रुपये में, इस तरीके का इसका रेंज है, अच्छा रेंज है। बेबी रेंज में भी इसी तरीके का प्राइसिंग लगभग रहता है। अब जरा बात करते हैं हम लोग बिजनेस की। फैब इंडिया कंपनी का एस्टेब्लिशमेंट हुआ था 1960 में। इसका जो फाउंडर है उसका नाम है जॉन बिसेल, इसका हेडक्वार्टर है न्यू दिल्ली में। अभी के डेट में अगर मैं रेवेन्यू की बात करूं तो 1392 करोड़ रुपये का रेवेन्यू, जो कि काफी ज्यादा एक हैंडसम रेवेन्यू बनता है। पूरे ऑल ओवर इंडिया में लगभग फैब इंडिया के मोर देन 400 से ज्यादा स्टोर ओपन हो चुके ऑलरेडी, इसीलिए अभी भी आपके पास ऑप्शन है, कहीं ऐसा ना हो ये बंद ही ना कर दे, क्योंकि काफी ज्यादा इन्होंने ऑलरेडी स्टोर ओपन कर दिए हुए हैं। अगर आप फैब इंडिया जैसा ब्रांड का फ्रेंचाइजी अगर आप लेना चाहते हैं तो किस तरीके का लोकेशन आपको चुनना चाहिए? देखिए, इस तरीके का ब्रांड ओपन करने के लिए लोकेशन का चुनाव बहुत ही सावधानी से करना पड़ेगा। अगर आपने ढंग से लोकेशन नहीं चुना तो फिर आपका बिजनेस नहीं चलेगा। कारण है कि प्राइजिंग मैंने आपको दिखला दी, जो कपड़े के रेंज है वो भी दिखला दिया मैंने, डिजाइनिंग भी दिखला दिया। इससे एक चीज तो क्लियर है कि आप बहुत ज्यादा लो लेवल में जाके काम नहीं कर सकते हैं। एक सही जगह होना चाहिए, एक वैसा स्टैंडर्ड प्लेस होना चाहिए जहां पर आपका बिजनेस चले। इसीलिए मैं इसके लिए कहूंगा कि कभी भी शहर को चुनना है, छोटा शहर को अवॉइड करना है। छोटे शहर में भी किसको, आप डिस्ट्रिक्ट लेवल पे चुन सकते हैं, ठीक है ना, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे ये फ्रेंचाइजी ओपन हो सकता है, लेकिन बहुत ज्यादा छोटे जगहों पे आप इसको ओपन करने की गलती ना करें। बिकेगा ही नहीं सामान, महंगा है,
इसमें तो कोई दो राय नहीं, आम आदमी के लिए महंगा है। अदरवाइज ये अगर आप ठीक ठाक शहर में ओपन करते हैं, जैसे जैसे मैं कैपिटल सिटी की बात करूं, जैसे रायपुर हो गया अपना, ठीक है ना, उसके बाद पटना हो गया, इधर उधर उड़ीसा हो गया, उड़ीसा का राजधानी भुवनेश्वर, उधर अपना चेन्नई, वो तो बड़े शहर हो गए। लेकिन वहीं पे अगर बिग सिटी की मैं बात करूं तो दिल्ली एनसीआर जैसे जगहों पे तो ये आपको ऑलरेडी मिला हुआ है। शायद आपको नए मॉल्स में मिल जाए जगह तो और बात है, लेकिन जनरली बड़े बड़े शहरों में ये ओपन कर चुके हैं। ठीक है, अब बात करते हैं कि लोकेशन आपको लेना है तो कहाँ लेना। मेरे अकॉर्डिंग सबसे बेस्ट लोकेशन इसके लिए मॉल होगा, क्योंकि अभी तक मैंने जहां भी फैब इंडिया का स्टोर्स मैंने देखा है, ज्यादातर मॉल्स के पास में देखा है। वैसे अगर आप करोल बाग की साइड में होंगे तो आपको पता होगा कि करोल बाग मेट्रो स्टेशन के बगल में ही है, ज्यादा दूर नहीं है। तो लोकेशन आपको वैसा देखना है, या तो कपड़े का मेन मार्केट हो, अगर नहीं है तो मॉल, इन्हीं दो लोकेशन को आपको चुनना है। बात करें कितना इसके लिए एरिया आपको चाहिए होगा, इसके लिए मिनिमम एरिया 1200 स्क्वायर फीट का ये बोलते हैं, लेकिन मैक्सिमम का कोई लिमिट नहीं है। मैंने देखा है एक से एक बड़े बड़े स्टोर लोग ओपन कर रहे हैं, लेकिन मॉल में आपके लिए 1200 स्क्वायर फीट मोर देन इनफ है। अगर आप सेपरेट कोई जगह लेके ओपन कर रहे हैं तब तो मैक्स आप स्पेस ले सकते हैं, लेकिन मॉल्स में 1200 1500 बहुत ज्यादा है। कारण है कि जितना ज्यादा स्पेस आप बड़ा लेंगे, आपका रेंट भी उतना ही हाई जाएगा, डिपॉजिट भी उतना ही ज्यादा लगेगा। तो ये सब चीजों को कंसिडर करके ही काम करना है। अब ऐसा नहीं कि इसको खोलना है भाई ताजमहल में तो हम वहीं पे खोल दें, नहीं 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 एज अ बिजनेस ओनर आपको ध्यान देके काम करना है कि आपके बजट में भी चीजें होनी चाहिए। ठीक, नेक्स्ट हम लोग बात कर लेते हैं जरा वन टाइम इन्वेस्टमेंट। इसके लिए जो कंपनी का फ्रेंचाइजी फी है वो लगभग 10 लाख से लेके 15 लाख के बीच में कंपनी का फ्रेंचाइजी फी है। वहीं स्टोर को ओपन करने का जो इसका कॉस्टिंग लगता है वो लगभग 20 लाख से लेके 30 लाख के बीच में लगता है। अच्छा, ये मैं इस तरीके का लगभग क्यों बोलो, कारण है कि जिसने ज्यादा बड़ा स्पेस लिया उसका खर्चा और ज्यादा हो जाता है, जिसने कम लिया उसका कम खर्चे में ही हो जाता है। इसके अलावा आपके पास वर्किंग कैपिटल के लिए भी जगह चाहिए होगा। इसके लिए आपके पास कम से कम वर्किंग कैपिटल के लिए भी पैसे चाहिए होंगे, जो कि टोटल इन्वेस्टमेंट का लगभग 30% से लेके 40% हमें रखना होता है। तो अगर मैं इसके अकॉर्डिंग बात कर लूं, मैं हायर साइड लेके चलता हूं, तो यहां पे जैसे मान लीजिए कि 45-50 लाख हो गया मेन एक्सपेंसेस, अब इसमें प्लस आप 40% और कीजिए तो लगभग आपका कितना हो जा रहा है, ये 70 लाख रुपए के आसपास में ये जा रहा है। तो अभी आपने पूरा ध्यान से देखा, वन टाइम इन्वेस्टमेंट लगभग आपका 70 लाख रुपए है। अगर आपके पास 70 लाख रुपए नहीं है तो आप इसके लिए लोन ले सकते हैं। कौन सा लोन लेंगे, क्या करेंगे, आइए पूरे डिटेल में इसको समझते हैं। बात करते हैं फंडिंग की। अगर आपको मैन्युफैक्चरिंग बिजनेस के लिए फंड की रिक्वायरमेंट है तो सबसे बड़ी बात क्या है कि भारत सरकार, स्टेट गवर्नमेंट इसके लिए अलग अलग स्कीम्स के थ्रू लोन प्रोवाइड करवाती हैं। बात करें अगर हम सेंट्रल लेवल पे, तो भारत सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है PMEGPA स्कीम। इस स्कीम के तहत भारत सरकार मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए 50 लाख तक का लोन भी इसमें प्रोवाइड कराती है, और इसमें सब्सिडी भी मिलता है 15% से लेके 35% तक के बीच का सब्सिडी मिलता है। दूसरा एक स्कीम है, उसका नाम है मुद्रा योजना। मुद्रा योजना में भी आपको मैन्युफैक्चरिंग के लिए मिल जाता है, छोटे लेवल पे 10 लाख से नीचे का अगर आप मैन्युफैक्चरिंग में जाते हैं तो मुद्रा स्कीम में भी आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट स्कीम है स्टेट लेवल पे, अगर आप बिहार में बिलोंग करते हैं तो बिहार सरकार का एक स्कीम है, उसका नाम है मुख्यमंत्री उद्यमी योजना। इस स्कीम के तहत 10 लाख तक का लोन प्रोवाइड कराती है बिहार सरकार, जहां पर आपको सब्सिडी भी मिलता है। खास बात यह है कि इस स्कीम में OBC, SC, ST, वुमेन, इन सारे ही कैटेगरी के लिए इसमें सब्सिडी सरकार प्रोवाइड कराती है। वहीं अगर आप अदर कास्ट से बिलोंग करते हैं तो आप अपने घर की महिलाओं के नाम पर लोन ये प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट बात करें उत्तर प्रदेश के लिए, उत्तर प्रदेश सरकार भी स्कीमें लॉन्च की हुई हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की एक स्कीम है, उसका नाम है मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना। इस योजना के तहत 25 लाख तक का लोन सरकार प्रोवाइड कराती है मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए, और यहाँ पर भी 25% से लेके 35% तक बीच का सब्सिडी सरकार देती है। हर टाइप के कास्ट कैटेगरी के लिए यहाँ भी उपलब्धता है। इन तीनों में से किसी भी स्कीम में अगर आप जाना चाहते हैं, अगर आप महाराष्ट्र में, अगर आप गुजरात में, तो आप क्या करें, तो आप PMEGPA स्कीम का फायदा लीजिए, मुद्रा का लीजिए, या आपके स्टेट गवर्नमेंट में भी उद्यमी योजना चल रहा है तो आप उस उद्यमी योजना का फायदा उठा सकते हैं। मुख्यमंत्री उद्यमी योजना लगभग भारत के सभी स्टेटों ने चलाया हुआ है, तो ये हर स्टेट गवर्नमेंट का अपना पर्सनल योजना है, तो आप या तो उसमें फायदा उठा सकते हैं या PMEGPA स्कीम में आप फायदा उठा सकते हैं। किसी भी स्कीम में अगर आप लोन लेने के लिए जा रहे हैं तो कुछ डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट पड़ती है। उसमें सबसे पहला नंबर डॉक्यूमेंट होता है प्रोजेक्ट रिपोर्ट। प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बगैर आपको लोन नहीं मिलेगा। प्रोजेक्ट रिपोर्ट क्या है, प्रोजेक्ट रिपोर्ट में 5 साल का फाइनेंशियल होते हैं, बैलेंस शीट बना रहता है, DSCR होता है, वेरियस काइंड ऑफ रेशियोज होते हैं, मार्केटिंग एनालिसिस होता है, बहुत टाइप का थ्योरीज होता है। तो ये सारी चीजें प्रोजेक्ट रिपोर्ट में होती हैं, जिसके बेसिस पर बैंक तय कर पाता है कि आपको लोन
दें या ना दें। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन। किसी भी बिजनेस को करने के लिए अभी आप जा रहे हैं, चाहे मैन्युफैक्चरिंग हो सर्विस हो, तो भारत सरकार का नियम है कि आपको उद्यम रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन लेना ही पड़ेगा। और बिना इस डॉक्यूमेंट के, एमएसएमई रजिस्ट्रेशन या उद्यम रजिस्ट्रेशन के, आपको किसी भी टाइप का सब्सिडी का फायदा भी नहीं मिलने वाला है। इसीलिए एनी हाउ उद्यम रजिस्ट्रेशन चाहिए ही चाहिए। तो दो डॉक्यूमेंट हो गया, प्रोजेक्ट रिपोर्ट, उद्यम रजिस्ट्रेशन। तीसरा, अगर आप फूड सेक्टर से रिलेटेड जा रहे हैं काम करने के लिए, तो एफएसएसएआई का लाइसेंस इसमें मस्ट हो जाता है। एफएसएसएआई का लाइसेंस आपको लेना पड़ेगा, फूड एंड सेफ्टी लाइसेंस, ये भी बहुत ही ज़रूरी है। चाहे आप ठेला ही क्यों ना लगाएं, एफएसएसएआई लाइसेंस मस्ट हो जाता है। तो एफएसएसएआई लाइसेंस लगेगा, फूड से रिलेटेड नहीं है तब आपको ये लाइसेंस नहीं लगेगा। अपार्ट फ्रॉम दैट, जो आपका बेसिक डॉक्यूमेंट होता है, जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, फोटो स्टेट फोटो, बैंक स्टेटमेंट, एड्रेस प्रूफ, बिजली बिल, ये सारे डॉक्यूमेंट्स के बेसिस पर लोन इसमें अप्लाई आप कर सकते हैं। इन सारे डॉक्यूमेंट को बनवाने के लिए और लोन प्राप्त करने के लिए स्क्रीन पर जो नंबर दिया गया है, आप डायरेक्ट इस नंबर पे कांटेक्ट कीजिए। myprojectreport.com कंपनी की ओर से आपको पूरा का पूरा शुरू से अंत तक इसमें काम करके दिया जाता है। घर बैठे बैठे सारा डॉक्यूमेंटेशन हो जाता है, लोन का एंड टू एंड इसमें प्रोसेस हो जाता है। अभी आपने पूरा डिटेल में देखा कि कौन सा लोन का फायदा उठा सकते हैं, किस तरीके का एरिया आपको लेना पड़ेगा, कैसा लोकेशन आपको चुनना चाहिए, वेबसाइट भी आपने प्रॉपर वे में विजिट कर लिया, मतलब एक ओवरऑल चीजें आपकी समझ में आ गई। बात अगर कर ले हम लोग स्टाफिंग की, कितना इसके लिए स्टाफ आपको चाहिए होगा, तो देखिए 1200 स्क्वायर फीट का अगर आपको शोरूम ओपन करना है, इसके लिए कम से कम आपके पास 5 to 6 स्टाफ इसके लिए चाहिए होंगे। 2 to 3 स्टाफ तो काउंटर पे ही चाहिए होंगे और 2 to 3 स्टाफ स्टोर के अंदर, क्योंकि स्टाफ तो नीडेड है, इनके भी खर्चे आपको लगेंगे। बात करें जरा प्रॉफिट मार्जिन की, कितना ज्यादा इसमें प्रॉफिट मार्जिन मिलता है, इसमें प्रॉफिट मार्जिन लगभग 40% के और 30% के बीच में प्रॉफिट मार्जिन कंपनी इसमें प्रोवाइड कराती है, ठीक है। इसीलिए मैंने आपको बताया कि एक अच्छा लोकेशन आपको चुनना पड़ेगा। अगर आपका लोकेशन बहुत अच्छा है, एक एक दिन में एक स्टोर में 2-2 लाख, 3-3 लाख रुपए का सेल होता है, एक दिन की मैं बात कर रहा हूँ, महीने की बात नहीं कर रहा हूँ यहाँ। अरे भाई, अगर आप 70 लाख रुपए से लेके 1 करोड़ रुपए कहीं लगा रहे हो, तो सेल्स भी तो ऐसे ही आने चाहिए, तब तो आपको प्रॉफिट बनेगा, क्योंकि आपका पर डे का ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस भी अच्छा खासा है। ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस के अलावा इसमें आपका मार्जिन तो 100% बन नहीं रहा है, 30-40% ही आपको मार्जिन बचेगा। तो इसीलिए अच्छा लोकेशन लेना चाहिए, हाई एंड स्ट्रीट का अगर जगह रहेगा, यानी कि भीड़ भाड़ वाला जगह रहेगा, तो वहां पर आपके बिक्री का चांसेस बढ़ जाएगा और जाहिर सी बात है आपका प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़ेगा। जरा बात कर लेते हैं लीगल रिक्वायरमेंट की, कौन कौन सा लीगल रिक्वायरमेंट इसका आपको पूरा करना होगा। तो सबसे पहले इसमें हो गया आपका जीएसटी, दूसरा हो गया इसमें आपका उद्यम रजिस्ट्रेशन, तीसरा हो गया इसमें ट्रेड लाइसेंस, चूंकि आप बेच रहे हैं ना, तो ट्रेड लाइसेंस इसमें चाहिए होगा, चौथा हो गया इसमें आपका शॉप एंड एस्टैब्लिशमेंट एक्ट में आपके शोरूम का रजिस्ट्रेशन होता है, पांचवा हो गया फायर एंड सेफ्टी लाइसेंस भी आपको लग सकता है, ठीक है। अब ऐसा क्यों, क्योंकि आप मॉल में ओपन कर रहे हैं इसीलिए। तो बेसिक ये सारे डॉक्यूमेंट हैं, इन डॉक्यूमेंट को प्राप्त करने के लिए आप स्क्रीन पर दिए हुए नंबर से आप संपर्क कर सकते हैं या myprojectreport.com वेबसाइट पर आप संपर्क कर सकते हैं। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आया होगा। पूरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय।